Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे अपने घरों में। अच्छा जी, आज के वीडियो का जो टॉपिक है इज अबाउट हाउ टू अप्लाई लेंजेस, लेंजेस की टाइप्स, लेंजेस की सब टाइप्स। मोस्टली सब लोगों को मोस्टली पता ही होता है, लेकिन रिकॉल कर लेते हैं ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो लेंजेस होते हैं कितने टाइप्स के, क्या क्या लेंजेस होते हैं, क्या क्या लेंजेस नहीं होते। दो टाइप्स के लेंजेस होते हैं। एक तो होता है सिंपल लेंजेस, जिनके ऊपर कोई कॉन्टैक्ट लेंजेस नहीं होते, जिनके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, कि वो नज़र के लेंजेस नहीं होते, ठीक है। और एक होता है कॉन्टैक्ट लेंजेस, जो कि जिनको ग्लासेस लगी हों वो कॉन्टैक्ट लेंजेस यूज़ करते हैं। मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, मैं कॉन्टैक्ट लेंजेस यूज़ करती हूँ, ठीक है। जब आ जाती है सिंपल लेंस की बारी, तो सिंपल लेंस थोड़े से कम्फर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट लेंजेस। मैं जब कॉन्टैक्ट लेंजेस लेती हूँ बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंजेस, क्योंकि आईसाइट वीक होती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ऊपर से थोड़े से इरिटेट करते ही करते हैं। बेशक जितना महंगे से महंगा ले लो, सस्ते से सस्ता ले लो, इरिटेशन होती ही होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल वंस। सिंपल वंस थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं, 20 घंटे 18 घंटे आराम से लड़कियां पहन लेती हैं, लेकिन मैं तो 4 घंटे के बाद ही थक जाती हूँ, आंखें मेरी सुन्न हो जाती हैं, दिमाग बंद हो जाता है, होता है लेंस उतारूँ और अपने चश्मे बदूर लगा लूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो टाइप्स आती हैं कि कौन कौन से लेंजेज होते हैं। लेंजेज एक तो होते हैं आउटलाइन वाले, और एक होते हैं हिड्रोकोर लेंजेज, जिनकी आउटलाइन नहीं होती। अब आते हैं इनमें फ़र्क क्या है। जो हिड्रोकोर लेंजेज होते हैं ना, वो लगा के लगता है कि आपके नेचुरल लेंस, आपकी नेचुरल आंखों का कलर ही वैसा है, उसके ऊपर कोई आउटलाइन, आपका ब्लैक आईबॉल नज़र नहीं आ रहा था, फुली कवर्ड होता है वो। और जो नॉर्मल लेंजेज होते हैं, आउटलाइन एक बनी होती है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इन्होंने लेंजेज लगाए हैं या लेंजेज नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आखिरी है वो फैशन लेंजेज हो जाते हैं, जिस तरह हेलोवीन लुक करो, बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल रेड हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, वो होते हैं फैशन लेंजेज। वो बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ इस तरह के इवेंट्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वो नॉर्मल रूटीन में उनका यूज़ नहीं है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है लेंजेस किस तरह की पैकिंग में आते हैं, और उसको लेंजेस को किस तरह हमने यूज़ करना है। सबसे पहली तो टिप ये है कि हमने घबराना नहीं है, हमने रिलैक्स रहना है, लेंस लगाने कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने आप पे थोड़ा सा फोकस, आँखों का फोकस का मसला है ये, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले लेंस हमें इस तरह के पैकेट में हमें मिलते हैं, एक के ऊपर लेफ्ट लिखा होता है, एक के ऊपर राइट लिखा होता है। हमने क्या करना है, इसको खोलना है, जिसका अंदर वाला सॉल्यूशन है उसको हमने यूज़ नहीं करना है, हमने अंदर वाला सॉल्यूशन को फेंक देना है। उसके बाद जो लेंस के साथ हमें सॉल्यूशन मिला होगा, उसके साथ हमने उसे वॉश करना है, फिर हमने अप्लाई करना है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हमने यूज़ नहीं करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर रही हूँ कौन सी कंपनी के मैं लेंस यूज़ कर रही हूँ। आप लोग की आंखों में जो कंफर्टेबल है आप लोगों ने वो लेंस यूज़ करने, ये नहीं करना कि हम ये ले लेते हैं ये लेते हैं। महंगे से महंगा लेंस भी मैंने लगा के देखा हुआ है, और सस्ते से सस्ता लेंस भी लगा के देखा हुआ है। जिनकी आंखों में इरिटेशन होती है उनकी आंखों में होगी होगी, अगर जिनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है लेंस लगाने से, सेंसिटिव आंखें, उनकी आंखों में सेंसिटिविटी आएगी ही आएगी, बेशक जितने मर्जी महंगे लेंस ले लें। मेरी आंखें सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा लेंस नहीं लगा सकती, इसलिए मैं नॉर्मल लेंस ले लेती हूँ, जो 1800 2200 की रेंज में आते हैं, वो मेरी आंखों में सूट करते हैं। मैं हिड्रोकोर लेंजेज मेरी आंखों में सूट नहीं करते, सिंपल आउटलाइन वाले मैं लेंस यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है एक सॉल्यूशन उसके साथ आता है। जब आप लेंजेस खरीदते हैं, सॉल्यूशन को आपने खोल लेना होता है, तो रिंग होता है, रिंग उतारना है, इसको दोबारा ढक्कन को बंद करना है और खोल लेना है, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से खुल जाता है। उसके बाद आती है इस तरह की बॉक्स आती है, जिसके ऊपर लेफ्ट और राइट लिखा होता है। ये उन लोग के लिए जिनके आईसेट के लेंसेज हैं, एक कहाँ का 0.2 नंबर हो, एक कहाँ का 0.1 हो, इस तरह के डिफरेंट नंबर हो, तो ये यूज़ होते हैं लेफ्ट एंड राइट, वरना कोई इशू नहीं होता, आप जिसमें मर्जी डाल लो, ठीक है। अब बारी आती है कि हम लोगों ने लेंस रखने कहाँ पे हैं। गर्मियों में प्लीज़ फ्रिज में रखिए लेंस, बाहर नहीं रखिए लेंस, क्योंकि आंखों में इतनी इरिटेशन होती है, ऊपर से गर्मी इतनी होती है, और लेंस लगा ले तो एकदम आग निकलना शुरू हो जाती है आंखों में से। तो मैं तो फ्रिज में रखती हूँ, जो ठंडी ठंडी कूलिंग इफेक्ट आता है ना आंखों को, वो ज़रा सुकून देता है, 2-3 घंटे आराम से ज़्यादा निकल जाते हैं। एक और बात, अगर आप लोगों को पता है आप लोगों ने कल जाना है कहीं, तो आज रात को आप लोगों ने क्या करना है, लेंस का पानी, इसके अंदर जो पानी होता है लेंस का, इसको चेंज कर लेना है, ताकि अगले दिन आप लोग जब लेंस यूज़ करें बिल्कुल साफ़ आपके लेंस हो, ठीक है। अब लगा लिए, जब उतारना है तो भी आप लोगों ने न्यू सॉल्यूशन के अंदर डालना है, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ ज़्यादा करनी है। मोस्टली लाइफ क्या होती है, 12 महीने की उन्होंने कहा होता है, लेकिन अगर केयर करो तो 2 साल भी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर केयर करो बहुत ज़्यादा, वीकली आप लोग इसका सॉल्यूशन चेंज करो, जब लेंस लगाओ जब लेंस उतारो आप इसका सॉल्यूशन चेंज करो, तो लेंस की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और अगर इरिटेट कर रहे हैं लेंस 6 महीने बाद 8 महीने बाद, तो लेंस चेंज कर दे, लेंस आंखों में नहीं लगाने, क्योंकि आंखें इस तरह का सेंसिटिव पार्ट है कि आंखों के साथ ना बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लेंस लगाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम जब लेंस लगाते हैं ना बहुत इरिटेशन होती है, बहुत जलन होती है, आंखों में जलन हो जाती है, सॉर्ट पड़ जाता है,
ठीक है, उस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ने खाना सीधे हाथ से खाना होता है, खिलाना बच्चों को सीधे हाथ से होता है, घर के काम सीधे हाथ से मोस्टली होते हैं, बर्तन भी सीधे हाथ से हम लोग धोते हैं, तो हाथों के ऊपर कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। साबुन से भी हाथ धो लो तो वो कहते हैं ना वो अंदर जज्ब हो जाता है थोड़ा सा। उसके लिए मैं क्या करती होती हूँ, मैं स्कॉच टेप लेती हूँ, स्कॉच टेप को अपने फिंगर पर लगाती हूँ और एक इधर लगाती हूँ, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने स्कॉच टेप नहीं ली क्योंकि स्कॉच टेप नज़र नहीं आनी थी, तो मैंने रेड टेप ली। अब हमने लगाने का क्या तरीका, अब देखिएगा, फिंगर ली, लगाई, और जो इसके ये वाला पार्ट है ना, ये इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है। टेप आप लोग की बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए, किसी बॉक्स में डाल के रखनी है, जिस तरह के कवर आता है ना इस लेंस का, आप लोगों ने एक टेप इसके अंदर ही रखनी है ताकि जर्म्स ना लगे, ख़राब ना, मेरी हर वक्त टेप इसके अंदर पड़ी होती है क्योंकि मैंने काम करना होता है तो मैं इसे लगा नहीं सकती लेंसेज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका बॉक्स खोलना है, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के नाखून से बिल्कुल आराम से हम लोगों ने लेंस को उठा लेना है। ये देखिए उठा लिया। अब फोकस, फोकस किस तरह करना है, मुंह खोल के कर लो, मोस्टली फोकस मुंह खोल के ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, कोशिश करनी है लेंस के अंदर वाली साइड को कम से कम हाथ लगे और लेंस के बिल्कुल टिप पे हाथ लगे, आराम से करना। इसके लिए सबसे पहले क्या टिप है, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, रिलैक्स। और एक गेम यहाँ पे खेली जाएगी, बचपन में हम खेलते थे ना, मेरी आंखों में देखो, जिसने पहली आंख झपक ली वो आउट, ये गेम हमने शीशे के साथ खेलनी है, जस्ट रिलैक्स, शीशे की आंखों में आंखें डालनी है, ठीक है, आंखों में आंखें डल रही हैं शीशे के। अब आराम से यहाँ पे हाथ रखना है और आप लोगों ने लेंस को बॉल पे नहीं रखना, बॉल से थोड़ा सा नीचे रखना, ऑटोमेटिकली बॉल पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, आराम से फोकस, मुंह खोल लो थोड़ा सा, रिलैक्स, फोकस, दैट्स इट। अच्छा जी, तो अब देखिए ये मेरे लेंसेज लग गए हैं, कोई इरिटेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने टेप लगाई थी, टेप साफ होनी चाहिए आप लोगों की, रिलैक्स होके आंख के अंदर आप लोगों ने फिट कर देना है फोकस के साथ, जैसे मैंने कहा था ना, मुंह खोल लो, आ करके खोल लो और हल्का सा फोकस के साथ शीशे के साथ गेम खेलनी है और लेंस लग जाने, रिलैक्स होके, बॉडी को रिलैक्स छोड़ के, ठीक है। उसके बाद हम उठाते हैं दूसरा, वही इस नाखून के ऊपर भी आप लोग टेप लगा लीजिए, मैंने अब इस वक्त नहीं लगाई हुई क्योंकि मुझे जाना है, फटाफट करो। ये देखिए, ये उठा लिया लेंस, बिल्कुल आराम से नाखून से उठाने हैं, बिल्कुल हल्के नाखून से, क्यों, और इसके ऊपर यूं करके रख दिया, ये देखो रख दिया। अब दोबारा हम शीशे के साथ यूं हाथ रख के, रिलैक्स, ये देखो लेंस लग गया। हाँ जी, तब दूसरा लेंस लग गया है, अपना दुपट्टा लो और हल्का सा आंखों को हवा दे दो ताकि वो ज़रा ठंडी ठंडी हो जाए, ठीक है जी। ये सिंपल सा तरीका था लेंस लगाने का। कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि लेंस तो लगा लेते फिर सानू लाने नहीं आते और आंखों में हो जाती है लाली लाली, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेम यही टेक्निक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, जस्ट रिलैक्स, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये टेप उतार देनी है, उतारने वक्त उतारना हमने किस तरह है कि रिलैक्स होकर शीशे के आगे यूं करके मुँह रखना है, मेरे साथ ग्रे लेंजेज हैं, तो क्या करना है, आराम से हाथ रख के मुँह थोड़ा सा नीचे यूं पकड़ के रिलैक्स होकर, जिनके नाखून नहीं है, अगर जिनके नाखून है बिल्कुल आराम से, क्योंकि आदत हो गई है नाखूनों के साथ मैं उतार लेती हूँ, लेकिन जिनके नाखून है आप लोगों ने बहुत ध्यान से उतारना है, आंखों के अंदर नाखून नहीं लगे, बिल्कुल रिलैक्स, जिस तरह किसी को यूं टच नहीं करते होते, यूं जस्ट लाइक दिस, इस तरह हमने अपना लेंस उतारना। अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स होकर हमने अपना लेंस उतारना है, मैं उतारती हूँ लेंस आप लोग के सामने, फिर मैं लगा लूँगी क्योंकि मैंने आगे कहीं जाना है। अब बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दो, अपने अगर कैमरे में देख रही हूँ, ये रिलैक्स होकर उतार दिया। उसके बाद आज मैंने हांडी नहीं बनाई तो आज मैं ऐसे भी लेंस लगा सकती हूँ, ठीक है, रिलैक्स हो गए, बस रिलैक्स, फोकस करना है अपनी आंख के ऊपर, आंख और शीशे का आप लोग सा गेम है कि कौन जल्दी जल्दी आंख झपकता है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद ना सबको लेंसेज लगाने आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, हाथ अच्छी तरह साफ कर लो, उसके बाद ड्राई कर लो,
टेप रख लो अपने पास, स्कॉच टेप, स्कॉच टेप की एक लेयर उतारो, उस पर दूसरी लेयर आएगी वो अपने हाथ पे लगाने, ताकि जो ऊपर वाली लेयर पे जम्स होंगे वो आपकी आंख में ना आ जाए, ठीक है। हमेशा लेंस, अब मैं जब उतारूंगी लेंस के सॉल्यूशन में हमेशा चेंज करूंगी, ठीक है। जब मैंने लगाने लगूंगी उससे 3 घंटे पहले बेशक मुझे टाइम मिले, मैं लेंस का पानी चेंज करूंगी। इस तरह करिएगा, अपनी आंखों का ख्याल रखें, अपने पास कोई आई ड्रॉप्स रखें, उतारें, आंखें ड्राई हो जाती हैं, कोई भी आप लोग आई ड्रॉप्स रखें मेडिकल स्टोर पे, चाहे आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो ले लें, या रोज़ वाटर डाल लें, आबे जमजम है आबे जमजम डाल लें, ठीक है जी। अपनी दवा में मुझे याद रखिएगा, लेंस लगाइएगा और बताइएगा आप लोगों को लगाने आ गया। कुछ लोगों को तो आते भी होंगे लगाने, वो भी इस तरह ट्राई करिएगा, उनकी आंखों में बिल्कुल जलन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर फ्रिज में लेंस रखे होंगे तो 3 घंटे लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, दिन में आप लगा सकते हैं मज़ीद 3 घंटे, ठीक है जी। ओके जी, दवाओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रब रखा।